अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये तो डिंगा बाबू करे तो बुझी बात और कर पिलाने तंको जीने को के भी बदले जाए पारे तंकरो मो पर विश्वास करबा दरकार थिला कि नहीं। से कथा तो ठीक हेले तू मते गोटे कथा कहो तो कांदिबू कोन पाई तू तो एठी समस्त को मोरे हस फुटेबा को आछु ना गोटे कथा कहबी मते काई लागुनी तो किछ भूल करिछु बोले काई कह काहे कि ना मु तते नाटक करिया पई कहिछु कहिछु से दिन कथा मोर आज भी मन अच्छे चौदिन तो सरला मौसी आम घर को फोन कर तो निमापड़ा गला बेले तोर एक्सीडेंट हला आ भगवान को कृपा रु तो सरला मौसी से पटे जाऊले आए तोते घर को नहीं गले तापरे आम घर को गोटे फोन आसला आोन मु रिसीव करते देखा करिबा पाई तो सारा मौसी घर को जाइथिले सब ठीक है जीव छिले तो मोटे चिंता करना देखिबु भगवान सब समस्यार समाधान ठीक समय कर देबे चल घर को चल जेजे बाबू से घरे आउ झिली पे कोनोसी जगह नहीं जेतेबेले टिंगा बाबू ही आम संपर्क को नहीं कि अविश्वास कले सेतेबेले मु अन्य मानंको आ कोन कहिबे मु टिके चिल्ली संग रे कुटिया कथा हो बाबू जाऊ छी चिल्ली तोर एक्सीडेंट ही मावसी घर को आसीबा आउ तुम घर फोन रिसीव करवा यहाँ केवल को इनसीडेन्स नुहे ए भगवान आम कि मेसेज देवा चाहते मेसेज किंतु जेजे बाबू भगवान आम को कौन मेसेज देवा चाहते ए मीठा महल अवस्था बहुत बिगड़बार लगी आगर मीठा महल अवस्था केमी नाला तू तो जाचु जितेबले अन्याय बढ़ी बढ़ी चले सेतेबेले से अन्याय को सुधेरिया पई भगवान को नुआ रूप नबा को पड़ी थाए जहाँ को आम नुआ जुग बोली कहू लोक से पुरुणा किंतु भगवान नुआ अवतार रे आसती मु तम कथा किछ बुझि पन्नी जे छे को छिली मते लागु छी मीठा महल को सुधेरिया पई तत्ते भी नुआ रूप नवाक पड़ो तत्ते पुणी से घर को फेर जावाक पड़ो एमितिका रूप जहाँ मीठा महल के देखी नथिबे कि भाभी भी नथिबे नहीं जेजे बाबू मु ए सब कर परबे नहीं पारिबो केवल तू ही पारिबो मोर विश्वास मो मीठा महल उजड़ी जावा आगर ताको सजाड़ी दे रे छिली मुआ कहा उपरे किछि विश्वास रखनि लमा जो मंदिर को मु मो निज हाथरे तयारी करतिली सेही मंदिर टी मु आखि आगरे भांगी जीवो ते भारी कष्ट हो बलमा तेणु मु मीठा महल को पुनी खुशीर महल बनेबार दायित्व तो उपरे रहिला मोर विश्वास तो घर को निश्चय फेरिबो किंतु गुटे नुआ रूपरे कथा दे तते तो निजो को बदलेबारे पूरा गोटे वर्ष लगिगला आ शेषरे तू एठिकी फेरी आसिलु आ तो नुआ रूप
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେଲା ଜେଜେବାବୁ? ଏଇ ଘରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଟିଙ୍ଗା ବାବୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଯାଉ, କେତେ ବାଟ ଯିବ? ଯାଉ, ତୋ ଲଗାମଟା ତା ବେକରେ ପକେଇ ତୁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବୁନି? କେମିତି? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଝିଲି, ତୁ ହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଲୋ ମା, କାଲି ସକାଳ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି, କାଲି ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା। ମହଲ ବିଜନେସରେ ଏବେ କିଏ କୋଉ କାମ କରିବ ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବି। ସିଦ୍ଧୁ ଭାଇ, ଭାଇ ସିଦ୍ଧୁ ସୁମାର ଯାଉଛୁ, ରହ ଆମେ କଥା ହବା। ତୁ ଆରେ ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବା ବେଳେ ଝିଲିଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋତେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନି। ଯୋଉ ଝିଲି ଦିନେ ମୋ ସବୁ ରାଗକୁ ଚୁପଚାପ ସହୁଥିଲେ ସିଏ ଠିକସେ ମୋତେ ଦେଖୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଝିଲି ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଟିଙ୍ଗା ବାବୁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ତମେ କୁହ, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? ହଁ, ଏବେ ହୁଏତ ତମେ ଏ ଝିଲିକୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାର, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ, ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବୁଝିବ। ତମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଟିଙ୍ଗା ବାବୁ, ଏ ଝିଲି ନା ତ କେବେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ନା ଆଜି ଚାହୁଁଛି। ଏ ଝିଲି ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିବ। ମୁଁ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ତମ ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟିଙ୍ଗା ବାବୁ, ତମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଗଲାବେଳେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଇନି? ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୋତେ ଏ ନାଟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ତମେ ମୋର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତ ନା ଟିଙ୍ଗା ବାବୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଝିଲି ତାର ସବୁ କଷ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें।